अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब दोस्तों? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और आप सब मुस्लिम बहन भाइयों को हमारी तरफ से, मेरी पूरी फैमिली की तरफ से रमज़ान शरीफ मुबारक हो। तो जी दोस्तों, जिस तरह हमारे मुस्लिम बहन भाइयों के रमज़ान शरीफ स्टार्ट है, इसी तरह हम मसीही बरादरी के भी रोज़ों के अयाम शुरू हैं। तो आज हमारे रोज़े की इफ्तारी में आप लोग भी हमारे साथ शामिल हों और देखें कि हम किस तरह रोज़ा इफ्तार करते हैं। तो रोज़े की इफ्तारी में हमारे साथ देखें कि किस तरह हमारे घर वाले सारे रोज़े की इफ्तारी की तैयारी कर रहे हैं। पे जी अपने चिकन रोस्ट पे लहसुन अदरक का पेस्ट लगा दिया, हम इसकी मैरिनेशन करने लगे। अब हमने इसमें नमक ऐड कर दिया और थोड़ा सा नमक और, इसी भी मिर्च, काली मिर्च, इसी भी लाल मिर्च, और अब हम इसे मैरिनेट करेंगे। वैसे अब हम इसे 2-3 घंटे के लिए या 3-4 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। ये हमने इसका अच्छे से मसाज कर देंगे सारी तरफ से, मसाले की मसाज, ताकि जो हमारी मैरिनेशन है, ओवरऑल जो मसाले हैं वो इसमें अच्छी तरह बच जाए, अंदर तक इसके जायका जाना चाहिए गोश्त के। इसे कितनी देर रखेंगे जी? एक तो इसे फ्रिज में रखना है या वैसे भी रख सकते हैं और फ्रिज में भी रख सकते हैं, क्योंकि मौसम ठीक है अभी। हमने जो चिकन का जो हमारा सूप था और हमारी चिकन थी, हमने इन अपने यखनी पुलाव में ऐड कर दिया और ये हमने सारा इसमें ऐड कर दिया अपना ना सूप और जो भी हमारा चिकन था। ये चल एक
तरफ हमारे फ्राइज बन गए। तो जी दोस्तों, ये यहाँ पे बेगम साहबा पुलाव बना रही हैं यखनी वाला, ये देखेंगे अभी ये हम इसे थोड़ा सा ये पकेगा तो फिर दम लगाएंगे। यहाँ पे बच्चों के लिए जो फ्राइज़ बन रहे हैं रोज़ा अफ्तारी के लिए। जी दोस्तों, देखें कितना ज़बरदस्त हमारा ये बना है रोस्ट, स्टीम रोस्ट बनाने लगे हैं अभी हम इसे। देखें कि कितना शानदार क्रिस्पी किस्म का हमारा रोस्ट बना है, मसालेदार, और इस पर हम अभी। हाँ जी दोस्तों, खुदा का शुक्र है, देखें कितना ज़बरदस्त क्रिस्पी और बेहतरीन किस्म का ये हमारा रोस्ट बन गया है, और ये गला भी बहुत अच्छे तरीके से। इस पर हमने एक लेमन निचोड़ लिया, और इस पर हमने आमचूर का जो मसाला होता है उसका छिड़काव किया है, और ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का बन गया है। गर्मा गर्म जलेबी। हाँ जी, तो ये जलेबियाँ हमने बाज़ार से ली हैं। यहाँ पे हमारे ये वन यूनिट चौक बहावलपुर में एक दुकान है, और यहाँ पे जलेबियाँ बहुत अच्छी क्रिस्पी बेहतरीन किस्म की बना के देते हैं। बड़ी कड़क और ब्रीक जलेबी होती है, बड़ी मज़ेदार। तो हमने ये चाहा कि चलें ये जलेबियाँ हम बाज़ार से ले लेते हैं। पकौड़िया घुमाओ, पकौड़िया तीन करो ना, पकौड़ा एक चुको ना। हाँ जी, ये पकौड़े भी यहाँ पे तैयार हो गए हैं तकरीबन, तो ये इफ्तारी के लिए। ये देखेंगे नजर आता है, ज़बरदस्त किस्म के चावल बने हैं जी, यखनी वाला पुलाव बना है। ये देखेंगे कितना ज़बरदस्त यखनी पुलाव बना है हमारा, और अजान भी हो गई है और रोज़े का टाइम हो गया है रफ्तार करने का, और तकरीबन हमारी सब चीज़ें जो हैं वो रेडी हो गई हैं।
माशाल्लाह जी माशाल्लाह, ज़बरदस्त बन गया। ये पकौड़े भी यहाँ पे तैयार हो गए। हाँ जी बच्चों, रोज़े की इफ्तारी के लिए टेबल रख लें, टेबल सेट करें, आ जाओ सब। तो अभी हम इबादत करने लगे हैं रोज़ा इफ्तारी की, तो अभी हम रोज़ा इफ्तार करेंगे बच्चों के साथ मिल के। तो जिस जिसने हमारे साथ रोज़ा इफ्तार करना है वो आके हमारे साथ रोज़ा इफ्तार कर सकते हैं। तो जी दोस्तों, अभी हम रोज़ा इफ्तार करने लगे हैं। तो जिस किसी ने रोज़ा इफ्तार करना है, ये देखें जी पकौड़े और चिकन रोस्ट वगैरह अब हम खाएंगे। तो जिस जिसने खाना है हमारे साथ वो आ जाएं, रोज़ा इफ्तार करें। तो आप सबको रमज़ान शरीफ मुबारक हो और हमारे मसीहों के रोज़े भी मुबारक हों। मसीह में मेरे अज़ीज़ों, लफ्ज़ मुबारक मैंने इसलिए इस्तेमाल किया कि खुदा का शुक्र है कि इस साल भी हमने रोज़ा रखा। जी दोस्तों, ये स्टीम रोस्ट बड़ा जूसी किस्म का बना है और इसमें हमने एक लेमन निचोड़ लिया था और आमचूर मसाला इस पर छिड़क लिया था और ये गल भी बहुत अच्छे तरीके से गया है। बहुत ज़बरदस्त किस्म का ये बना है। दोस्तों, तो आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी, बराए मेहरबानी शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में आपके साथ। खुदा हाफिज़।